यार तुम लोगों को कितनी दफा बोला यार, मुझसे बार बार नहीं कॉन्टैक्ट किया करो, मुझे नहीं करना तुम्हारा ब्रांड प्रमोट, मेरे पास वैसे ही टाइम नहीं है, बहुत ब्रांड्स है मेरे पास यार, मैं नहीं करता, बहुत बहुत फेमस हो गया हूँ मैं, अब नहीं करता मैं ब्रांड प्रमोट किसी का भी। हेलो हेलो भाईजान, भाई थोड़े पैसे दे दियो ये, लेकिन यार ब्रांड प्रमोट करवा ले यार, भाई भाई प्लीज़ यार 100-200 दे दियो यार, भाई भाई गालियाँ गालियाँ क्यों दे रहा भाई। हेलो हेलो, हाँ तो भाइयों और उनकी बहनों क्या हाल चाल है? मेरा हाल चाल तो तुम लोगों ने देख लिया होगा कि कैसा हाल चाल है, और चैनल का भी हाल चाल तुम लोगों को पता चल ही गया होगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं मीम्स रिव्यू, क्योंकि आज से पहले कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया है, तो आज हम लोग मीम्स रिव्यू करेंगे। तो उसका सीन ये है कि भाई हम लोग मीम्स रिव्यू करने वाले हैं बोलो वजाहत का, हमारे जो भाई हैं बोलो वजाहत भाई, और बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं वो। आज भाई अगर आप देख रहे हो तो कॉपीराइट स्ट्राइक मत मारना। तो हम लोग अभी, तुम लोग ये बस मेरा चैनल देख लो, ये तो तुम लोगों ने देखते ही नहीं हो ना यार, भाई का चैनल है यार, देख लिया करो यार। क्या हुआ, आंसू नहीं नजर आ रहे हैं? बहरहाल यार चलो हम लोग मीम्स रिव्यू करेंगे भाई के चैनल का, और आज हम लोगों की वीडियो देखेंगे बेस्ट ऑफ ऑल पाकिस्तानी मीमर्स 2020 थग्स लाइव कंपटीशन बोलो वजाहत। तो भाई सीन ये है कि हम लोगों ने एक चैलेंज करना है कि हंसना नहीं है, वीडियो देखेंगे पूरी और हंसना नहीं है इसके अंदर, कोशिश करेंगे बिल्कुल भी नहीं हंसना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पाकिस्तान की कंजर बना दिए, सब तो वड्डा केड़ा है टिकटॉक पर, अली हैदराबादी जिन्नू लबे खान नू ਉਹਦਾ ਛਣਕਣਾ ਜਾਂਦਾ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖੂ ਭੁੱਖੇ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਵਾ ਪਿਆ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਪੁੱਤਰ, ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਖੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖੋਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਖਲੋਤੀ। ਅੱਛਾ ਇਸਕੋ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਮ ਲੋਗੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੱਸੀ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਭੀ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੋ। ਨਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆ ਸ਼ਾਮ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਈਫੋਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਫੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਅਲੀ ਖਾਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦੀ ਦਾ, ਬਟਾ ਫਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਮਜਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ, ਜੇ 01 ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੀ ਭਾਈ ਆਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਗਾਮ ਦੇ ਦੇਣਗਾ, ਛੋੜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਤੇ ਕਰੋੜੋ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਪਕੌੜੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੱਜਣ ਕੋ ਕਿਆ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਭਾਈ, ਡੋਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹੀ ਯਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਏ ਪਰਾਡੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਕਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੋ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ, ਡੋਲੀ ਚੂਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਜੰਨਤ ਮਿਲਦਾ। मुझे घर जाना है। रुको जरा, सबर करो। ओ नहीं, तुसी कह रहे हो कमल अफताब दा नाम नहीं लेना, पर मेरी तो बड़ी फेवरेट है। मैं तन्नू आगे भी समझाया थी, ओदा नाम ना लई, मैं तेरा सोफे सोफे में पांतण नहीं, और गल कर, ओदा नाम ना ला मेरे के, और मैं कह तई तू है कौन है, तू बाबा दी गल कर, मैं तेरे छो छा के टू जाना, बंदे दा पुत्र बन के पया टीटो बाटे ना ला मेरे नाल, तू कौन होला मेरा गल करने वाला, बिल्कुल चुप, तू हो गल कर, जन्नत मिर्ज़ा कर लेना। हाय हूं हाय, लव यू। सेहत का हमने ख्याल करना है और हमने बच्चों की सेहत के साथ कोई रिस्क नहीं लेना। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। ये जो फैसले हुए हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। नाजुक सूरत हाल हो गई। 18 तारीख को, 18 जनवरी को 9, 10, 11, 12 वो क्लासें जिनका इम्तिहान होना है वो शुरू हो जाएंगी। नो, छोड़ दो मुझे, दिल्ली साहब क्या कर रहे हैं आप। उसके बाद 25 जनवरी से प्राइमरी से लेके 8वीं तक
जो बाकी बच्चे हैं 25 तारीख को स्कूल आना शुरू कर देंगे। आपके दिन बहुत थोड़े रह गए, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। 1 फरवरी को यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी हैं, वो सारे जो हैं, वो 1 फरवरी को खोल दिए जाएंगे। आज अल्लाह की कसम तू खत्म है, मैं खुदा की कसम तेरे ख्वाबों में आऊंगा तुझे की होटल। लिटरली यही हाल होने वाला है, और तकरीबन स्कूल खुल चुके हैं, यूनिवर्सिटियां खुल चुकी हैं। आगे कपल्स का हो सकता है कि यूनिवर्सिटी का, उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा। हम सिंगल्स कहाँ जाएंगे, हम तो अकेले सिंगल ही मानेंगे। चलो चलो चलो, तुम लोगों को भी तो थोड़ी बहुत हंसी आ ही रही होगी। क्या मैं जारी सुबह के सुबह में नशे में मालूम हूँ कि खवाजी की यारी में हिस्सा ले रही है। It was at this moment that he knew he fucked up. गोजे हैं जी, बिल्कुल हैं। कैसे लगा? शॉपर में लगाए। सही गल की थी यार, मैं रेट पूछ रहा हूँ, रेट क्या है उसका? 207,000। क्या क्या बोला तूने? 207,000। आप उर्दू पैंट्स हैं? क्यों, आप टीरियां नजर नहीं आ रहे? पहले कभी देखे नहीं यार। हंसदे चेहरों का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। इसकी वीडियो आफ्ताब कनवल की है। आफ्ताब कनवल की पैसा बर्बाद पे है। आप क्या नाम है उसका? आफ्ताब कनवल। आप जी नाजरीन देखें आप जी, नयाब चीज जो सुनार की दुकानों से मिलेगी। खा लूं? खा ले। मुझे ना 500 के पैक कर दें ताकि मैं घर लेके जा सकूं, तो बाकी एक ये मैं और खा रहा हूं। एक आपने खा लिया, एक और ले ले, 500 पूरा हो जाएगा। आपने एक चीज रिस्पेक्ट। हाँ, मुझे पता चला था चलगोजे वाली दुकान है बहुत अच्छी। यहाँ आके रेट पूछा तो वो बोल रहे हैं कि भाई कुछ जमीन है तो रख दो गिर भी, चलगोजा ले जाओ। Blackout in whole Pakistan. मैंने दूसरे तीसरे दिन जाके कुछ याद आता है कि यार कुछ बेहतरीन किस्म की एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए ना। हम तो सोए भी होते हैं, हमें तो पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, बॉल किधर है, अब्बासियाँ ले रहे हैं नीचे से बॉल निकल रही होती, कैचेस छोड़ रहे होते हैं। इसी वजह से जो ऑडियंस थे वो हो गए बोर, तो उन्होंने क्या किया कि एक बंदे ने अपनी शलवार कमीज उतार के तो वो भाग पड़ा ग्राउंड के अंदर। ये कब हुआ सीन? ये तो देखा ही नहीं है। देखो सुबह सवेरे फजर के वक्त हम उठते हैं, मैच देखते हैं, नमाज रोजा करके वुजू शुजू करके पाक दामन होके बंदा मैच देख रहा हो, बहुत चंगा ना। मैं आगे जो है आप अपनी नंगी पुश्त लेके भाग रहे हैं ग्राउंड के अंदर, कुछ तमीज है यार? या तो बंदा मतलब यार कोई टेस्ट की भी बात हो जाए, मेरा तो टेस्ट नहीं है इस किस्म का। तुम्हें जिस किस्म की फेम चाहिए थी ना वो तुम्हें मिल गई। आजकल वैसे भी लोगों को फेम ही चाहिए, इज्जत तो वैसे ही आनी जानी चीज है। साले।
और ये इतनी अमेजिंग जगह है, ये यूटिलाइज कर ग्रेट यार। चुप बिल्कुल चुप। अबे तो टट्टियां इतनी फंस गई हैं, कहां से निकलेगा तो शरफ फैसल पे क्या होता है, डिग रोड वाले बॉयज जो होते हैं अल्टर। अरे मछली वन मछली मछली देखो अब मैं क्या करता हूं। मछली एक बंदे ने आके बोला सर खरीद ले नाड़ा, मैंने नहीं कह रहा सर सुबह से नहीं बिका, मैंने बेटा तू चारों तरफ देख किसने शलवार कमीज की तो मैंने बोला तू नाड़े बेच रहे हो भी रात सारे 11:30 बजे, मैंने बेटा नाड़े खोलने का टाइम। बीच में लेके घुस रहा है अपनी बाइक, फंसा दूंगा बाइक की माँ बहन एक कर दूंगा। अच्छा एल वाली गाड़ियों से बचे आप। अब मैं हंसूंगा, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। केल लगवा सकते हैं। मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं? एल उसने लिखा है कि मैं एल हूँ, मेरी गाड़ी एल। उसने इंडिकेटर दिया हुआ है, ये लाइटें भी हैं। 800 साल में एक बार होता है ऐसा कि किसी रिक्शे वाले ने इंडिकेटर का इस्तेमाल किया। ये कोई रॉक एजेंट है। इंडिकेटर का मतलब है भाई मैं आ जाऊँ थोड़ा सा लाइन में आ जाऊँ, तो आप यू लाइक समटाइम्स यू लाइक ओके आ जाओ, समटाइम्स यू लाइक नहीं आ रहा हूं लाइक, बट डोंट बी लाइक नहीं तू नहीं आ सकता। आप लोगों ने शॉन माइकल देखा है, जब शॉन माइकल आता था ना वो डीएक्स जब ज्वाइन की थी वो आके ये करता था, जब आपने पूछा ना लोग कहां चलेंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल। ये थोड़ा सा 80 प्लस हो गया। बस यार बहुत ओपी रहा, और ये मेरा पहला मीम रिव्यू था बोलो वजाहत भाई का, तो मुझे तो मतलब मज़ा आया बहुत ज़्यादा। तुम लोगों को मज़ा आया तो मुझे बताना नीचे डिस्क्रिप्शन में कि तुम्हें मज़ा आया कि नहीं आया है। और ये चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और बस मैं इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा मैं बोलता नहीं, मैं बहुत बोलता हूँ। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।